जल ही जीवन है, हर व्यक्ति को जल की आवश्यकता है। अब जब ट्रेन यहाँ रुकती है तो लोग बाहर जाते हैं, उसी स्थिति में उन्हें अपना बोतल यदि है तो 5 रुपये में उन्हें ठंडा जल, गर्मी में तो अधिकतर लोग ठंडा जल ही खोजते हैं, तो 5 रुपये में उन्हें ठंडा जल मिलता है। ये पूरे देश के स्टेशनों पर इसकी सुविधा दी जा रही है, यहाँ पर शुरुआत हुआ है। मैं समझता हूँ कि यह आम जनता के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अन्यथा लोगों को पैसा पानी है नहीं है, यह तो बिल्कुल आरो का पानी है, बहुत अच्छा इसका कंपनी है जो इसको पानी उपलब्ध करा रही है। मैं समझता हूँ कि ये वाटर वेंडिंग ग्राउंड ये बहुत अच्छा है और हर आम लोगों के लिए फायदेमंद। अच्छा सर, अगर झारखंड की राजनीति की बात किया जाए तो क्या लगता है किस प्रकार से आम जनता जो है सुरक्षित है, या फिर आम जनता के अनुरूप ये सरकार है, क्या लगता है? देखिए, राजनीति की बात नहीं है, कोई भी सरकार हो, सत्ता में कोई भी सरकार होती है उसका दायित्व तो होता है कि हर व्यक्ति के जान माल की सुरक्षा करे। लेकिन झारखंड में स्थिति ऐसी हो गई कि जान माल की सुरक्षा बिल्कुल यहाँ पर किसी को चिंता नहीं है, और सरकार तो चैन की बंसी बजाती है। और आज यही है कि दिन दहाड़े अन्याय होती है, लूट होती है, बलात्कार होती है। सरकार नाम का चीज नहीं है, सरकार को इस पर ध्यान ही नहीं है। जनता मजबूर है, लोकतंत्र में तो सरकार का मायने होता है ना, जनता एक बार वोट दे देती है और 5 साल वो झेलती है, तो जनता वोट दे करके वर्तमान सरकार को झेल रही है। क्या लगता है रामगढ़ जो चुनाव हुआ है, उपचुनाव हुआ है, इसमें उसमें भाजपा आजसू गठबंधन की जीत होगी, चूँकि जनता इस सरकार से उठ चुकी है। वैसी स्थिति में उसे भारतीय जनता पार्टी को आजसू छोड़कर कोई विकल्प नहीं देती।